नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं महोबा की जो सब्जी मंडी थी कीरत सागर में, वो हटके और जो सब्जी मंडी व्यापारी हैं उन्होंने अपनी अपनी एक अलग से मंडी बनाई हुई है, जो कि प्रशासन से कई बार मांग की थी लेकिन प्रशासन के थ्रू उनको मंडी नहीं दी गई। इसलिए वो राज चुंगी के आगे ये रेलवे पुल के जो है वहाँ पर ये सब्जी मंडी आज ही कल से लगी हुई है। तो दोस्तों, हम कुछ लोगों से भी मिलाएंगे आपको। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, ये कल से मंडी आई है, कहाँ पर आई हुई है? ये हम लोग सिटी से 5 किलोमीटर दूर है, गवर्नमेंट हम लोगों को कोई जगह नहीं दे रही, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी, आपने सरकार से और यहाँ के प्रशासन से किस तरह की मांग की है, बंद कर दीजिए? इसमें हमारे यहाँ मंडी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अध्यक्ष लोग हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की है और अब उसके लिए आप उन्हीं से वार्तालाप करें तो वो बताएंगे ज्यादा। जी, आपको यहाँ पर क्या असुविधाएं हैं, क्या कैसा लग रहा है? सुविधा ही नहीं है हम लोगों के लिए, असुविधा तो बहुत दूर है, सुविधा ही कुछ नहीं है। कब से आई हुई है यहाँ? हम कल से आए हुए हैं। किस तरीके से यहाँ हम आए हुए हैं? ये जगह है तो यही हम लोग दुकान में लगाना है। जी, कितने पैसे की आपने खरीदी है? ये खरीदी नहीं है हम लोग, नहीं जी, किसी का खेत है क्या? हाँ, है ये किसी का खेत है। अब वो खेत वाले से हम लोग यहाँ दुकाने लगाने लगे, तो उन्होंने खेत वालों ने आराम से खेत दे दिया आपको? अभी तो नहीं, अब उनसे वार्तालाप बताया, हमने आपसे बताया नहीं कि वो लोग वार्तालाप अब हमारे करेंगे जी। तो जैसा भी होगा तो वो बस उसका निस्तारण हो किया होगा। ओके, क्या नाम बताया था भैया हमने? जी, जी भैया, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? कहीं सुविधा ही नहीं है, ना पानी, ना लाइट, ना पानी, कुछ नहीं है जी। तो आप लोग यहाँ क्यों आ गए, वहाँ से क्यों चले आए हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अभी आप कहाँ बेच रहे थे? सागर में। तो फिर वहाँ से क्यों आ गए? उधर भगा दिया गया। कौन भगा दिया है? उसको भगाएगा, भगा रहे, प्रशासन भगा रहा। क्या कहते हैं? इधर नहीं लगेगी दुकान, ले जाओ। तो बोलने पचपेरा जाओ तो वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है पचपेरा में। और जियो मंडी का जियो 2 किलोमीटर के अंदर रेंज में है, रेंज में है, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर है जी। आप जहाँ से मंडी लगाते थे वहाँ से कितना दूर है? 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे जो ग्राहक आते थे आपके? हाँ, सब आ जाएंगे, जितना वो आना होगा वो जितना आएगा, आना होगा आएगा, नहीं तो बाकी के। तो वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं थी आपकी? पुरानी मंडी में सब सुविधाएं थी, खुद की दुकान है उधर, नगर पालिका की सब। तो क्या आप लोग यहाँ पर दिन भर रहेंगे, जैसे आप पुरानी मंडी में आप दिन भर रहते थे? दिन भर नहीं रहेंगे, सुबह सुबह बैठेंगे, 12-1 बजे सब अपने अपने। तो जो माल बचेगा, वो जो आपके सामान रखेगा, वो क्या करेंगे फिर? लाद के ले जाएंगे अपने अपने। तो क्या लगता है कि ज्यादा एक्स्ट्रा किराया भाड़ा लगेगा? वो तो लगेगा ही, इसमें महंगाई कन्फर्म है, कन्फर्म है, महंगाई तो होगी, जो हम लोगों को उसका खर्चा पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का खर्चा पड़ेगा, हम लोग काय में जोड़ेंगे, हम लोग उसी में जोड़ेंगे, उसी में जोड़ेंगे सब्जी में। जी, क्या नाम भैया आपको? हमारा इरफान जी। तो भैया, क्यों आप सब्जी में जोड़ेंगे, क्योंकि वैसे ही इतनी सब्जी महंगी आ रही है? तो सब्जी में क्यों नहीं जोड़ेंगे हम लोग? इमरान नाम है मेरा जी। तो हम लोग क्यों नहीं जोड़ेंगे सब्जी में, बताइए आप? जो माल में खर्च आएगा तो माली में तो डाला जाएगा, अलग से थोड़ी। जो माल में खर्च आएगा तो उसी में डाला जाएगा। क्या यहाँ की सब्जी मंडी आने की वजह से ज्यादा खर्च आएगा आपको? हाँ, खर्च तो बढ़ेंगे। प्राइवेट मंडी है, प्राइवेट मंडी है, इसका किराया भी लगेगा हम लोगों को, तो उसी में डालेंगे हम लोग, प्राइवेट मंडी है। अब जो अगर लाइट वाइट की व्यवस्था होती है उसका पैसा लगेगा, तो वो भी इसी में। आप वहाँ देखिए ना, कितने लोग परेशान हैं, आप देखिए वहाँ जाके देखिए, मान लीजिए कितने लोग परेशान हैं। Thank you.
कट जा जी। आप यहाँ कब से आ गई मंडी? कल से, परसों से। अरे श्याम गली उस तरफ करो यार। तो दोस्तों मैं अपना लाइफ यहीं समाप्त करती हूँ। आपने देखा ही होगा कि यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि क्या सुविधाएं थी, कहाँ मंडी हमारी थी। तो मैं अपना लाइफ यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।